तो जो आज की वीडियो है एक तरीके से री अपलोड वीडियो, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ था, कुछ लोगों के कार में यह अलार्म वर्क करता और कुछ के में नहीं करता, तो इसलिए मैं इस वीडियो को री अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा मारुति की कार्स में आपको एक अलार्म का बटन मिलता है, जो पुरानी कार्स थी उनमें, जैसे कि मेरा 2018 वैगन आ रहा है, इसमें अलार्म का बटन आपको यहाँ मिलता था। अब जो नई वाली है उसमें तो यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर में इनबिल्ट आपको अलार्म का सब कुछ सेटिंग्स मिल रही है, लेकिन पहले आपको यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे मिलती थी। तो जो मारुति की नई कार्स है अब उनमें तो स्पीडोमीटर आ रहा है, और जो पुरानी कार्स थी इसकी स्विफ्ट होगी, स्विफ्ट डिजायर होगी, उसमें ये अलार्म का बटन आता था और सलेरे वगैरह इन सब में। तो इस अलार्म से क्या फ़ायदा होता है, तो अगर आपकी कार में कोई बॉल मारेगा या फिर कोई ऐसे जोर से एक टैप करेगा तो आपकी कार का जो है अलार्म ऑन हो जाएगा और कार सायरन बजने लग जाएगी। तो स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर में से वैगनार से अलग क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि उसमें एक शॉक एब्जॉर्बर अलार्म और ऐड हो जाएगा, जिससे कि अगर आपकी कार को कोई हैंडल खींचेगा तो एकदम से उसका अलार्म ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं वैगनार की बात कर रहा हूँ, तो इस सेम प्रोसेस से आप स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर वगैरह इन सब सारी गाड़ियों का ऑन कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो अपना डोर हैंडल है उसको खोल देना है। अब ये अलार्म का बटन है, अब देखो आपको क्या करना है। तो उससे पहले जो इग्निशन यहाँ है, यहाँ से आपको जाना है और इग्निशन तक के निकाल देनी चाबी, ऑन नहीं करनी गाड़ी स्टार्ट मतलब। तो अब जो अलार्म है आपको इसको 1, 2, 3, 4 और 5 बार देर तक दबा के रखना है। जैसे साउंड आ जाए, जो आपके कार का लॉक का बटन है इसे दबा देना है, बस एक टिप आवाज़ आई आपको अब छोड़ देना है। ये आपने छोड़ दिया, अब कार को लॉक कर दीजिए। तो जनरली मारुति की कार्स लेती हैं 10 सेकंड, तो बस 10 सेकंड होने वाला है, और 10 सेकंड बाद अब आपकी कार को कोई टैप मारेगा। या फिर आपका कोई मिरर फोल्ड कर देगा। तो ऐसे अलार्म ऑन हो जाएगा। और ऑफ़ करने के लिए सेम प्रोसेस है। क्या करना है आपको, कार खोलनी है, ये इसको इग्निशन में डालना है, और इग्निशन में डालने के बाद आपको इसको 5 बार दबाना है, और 5 बार दबाने के बाद इस जो आपको 5वां टाइम है उसमें आपको देर तक दबाना है डीएक्टिवेट करने के लिए। और आप लॉक कटन दबाओगे तो जैसे एक बार साउंड आई थी जब लॉक कटन दबाने के बाद, तो इस बार 2 साउंड आएगी। तो 2 साउंड आने के बाद आपको गाड़ी बंद करनी है और आपका अलार्म ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये कार डाली इग्निशन पे, ये निकाली चाबी, ये 1, 2, 3, 4 और 5 5वीं बार देते हैं उन्होंने, अब 2 साउंड आई, निकाल देनी चाबी, कार लॉक कर देनी है। 10 सेकंड हो गए, अब आपकी गाड़ी को कोई टैप करेगा तो अलार्म डीएक्टिवेट हो गया। तो ऐसे डीएक्टिवेट एक्टिवेट हो जाता है। थैंक यू।